कमेटी बनेगी कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर। एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 के बाद जिसको रीऑर्गेनाइज होना था, उसके लिए एक अप्रूवल जो है एलजी साहब ने कल दी है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये डिमांड आज की नहीं, बहुत टाइम की थी। जब से उसके ऊपर भी एक रिकमेंडेशन देगी जो आने वाले समय के अंदर जो कई ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर विमेन की राइट्स को फॉलो नहीं किया जाता या उनके जो उनकी जो वो वर्क प्लेसेस के ऊपर आपने देखा है कि अट्रॉसिटीज होती हैं, या कई बार कंपनीज को कहा जाता है कि आपने एक इसकी कमेटी बनानी, कॉन्स्टिट्यूट करनी है विच विल लुक इन टू द अफेयर्स ऑफ वुमेन। तो इस तरह के जितनी भी प्रावधान रहेंगे, जो सेफ गार्ड होगा, उन सब सेफ गार्ड को कहीं ना कहीं विमेन आने वाले समय के अंदर, यही नहीं, इस कमीशन का रोल एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल भी है। जो वर्क प्लेसेस हैं उसके ऊपर किस तरह से कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, किस तरह से हमारे समाज में न्याय कर पाएंगी। मैं बहुत तहे दिल से एलजी साहब का भी धन्यवाद दूंगी, जिस तरह से एक कश्मीर के अंदर जिस बेटी का एसिड अटैक हुआ, उस एसिड अटैक के ऊपर जो है एक संज्ञान लिया गया। हमारी बहुत ही स्नेही बहन रेखा शर्मा जी ने, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इंचार्ज है, था तो एक आशा थी कि जल्दी से जो है विमेन कमीशन जो है यहाँ पर गठित होगा। और कल जिस तरह से एलजी गवर्नमेंट ने खासकर जो हमारी विमेन कमीशन को यहाँ पर गठित करने का अप्रूवल दिया है, उसके लिए हम स्वागत करते हैं। ये इतनी बड़ी एम्पावर्ड कमेटी होती है, कमीशन होता है, जो विमेन अट्रॉसिटीज़ जो ऑल ओवर दिस जो यूनियन टेरेटरी होगी उसकी अट्रॉसिटीज़ को कहीं ना कहीं संज्ञान में लेंगे, और कहीं ना कहीं ये कमीशन जो है रिकमेंड करेंगे। जो अफसर्स कहीं इसको फॉलो नहीं करते या जहाँ पर लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, जहाँ पर कोताही हो जाती है पॉलिसी डिसीजंस के अंदर, वहाँ पर पॉलिसी डिसीजंस के अंदर भी ये कोताही ये संज्ञान देगी, रिकमेंडेशन देगी। मुझे पूरी आशा है कि जो ये रिकमेंडेशन कमेटी देगी आने वाले समय के अंदर, हर जो ऑफिसेज के अंदर इसको सुना जाएगा, और जहाँ जहाँ विमेन राइट्स को, इक्वालिटी को कहीं ना कहीं दरकिनारे रखा जाता है, वहाँ पर इसका संज्ञान जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेगी और कहीं ना कहीं जो है लोग इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यही नहीं है, वर्क प्लेसेस के ऊपर आपने देखा अट्रॉसिटीज़ होती हैं, आपने देखा है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, कई बार उनकी द्वारा भी जो है किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस के आपने देखे केसेस बहुत बड़े हैं, पिछले दिनों श्रीनगर के अंदर एक बेटी के साथ एसिड अटैक हुआ, उसकी दोनों आँखें चली गई। इस तरह की जो प्रावधान है, कहीं ना कहीं जब ये कमेटी रिकमेंड करेगी और एक्शन होगा इस कमेटी के कमीशन के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये जो मापदंड है, ये कहीं ना कहीं जो औरतों के खिलाफ जो एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना रखी जाती है या डोमेस्टिक वायलेंस की भावना रखी जाती है, तो ये जब ये अपनी एम्पावर कमेटी जब अपनी पूरे फंक्शन में आएगी, तो कहीं ना कहीं जो है एक रोक लगेगी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन घटेगा और डोमेस्टिक वायलेंस को भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी।